हेलो दोस्तों, काशी की अर्पणा ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये है भैया द्वीज यानी अंकुट का वीडियो जो कल था। अंकुट भैया द्वीज हम लोग कल मनाए थे। वैसे तो दो दिन का था लेकिन कल हम लोग मनाए थे। तो हम मम्मी के घर ही जाते हैं और वहीं पर सारा पूजा पाठ करते हैं। तो ये जितने भी भड़ैया रखे हैं जिनको दीपावली की रात को ही सारा दिखाए थे आप लोगों को वीडियो की, ये उस दिन ही सारे भड़ैयर को भर दिया जाता है। इसमें ढेर सारे मिठाइयाँ होती हैं, चना होता है और भाई के लिए सुपारी रखा जाता है भाई भतीजे के लिए। तो ये पीतल का भी आता है, तो मम्मी पीतल का ली थी। ये मिट्टी का भी आता है तो हर साल इसको बदल दिया जाता है। तो ये पीतल का मम्मी रखी थी भड़ैयर, मेरी बिटिया रखी थी। तो उसमें भी चीनी के खिलौने आते हैं जिसको हम लोग खिलौना बोलते हैं, तो वो भी रखते हैं। सुपारी और चना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो भाई को चने को ही घुटवाते हैं भाई दूज के पूजा के बाद। तो चना बहुत ज़रूरी होता है, कच्चा चना इसी भड़ैयर में डाल देते हैं और रात पर दो दिन तीन दिन जब तक भैया द्वीज नहीं होगा तब तक वो भड़ैयर वैसे ही वहाँ पर जहाँ दीपावली की रात पूजा करते हैं वहीं पर रख देते हैं और रोज़ यहाँ पर दीपक जलाते हैं। तो आज भैया द्वीज था और हम आ गए मम्मी के घर। तो यहाँ पे भाभी पूरा गोबर से सारा जितने भी वहाँ पर सब चीज़ है भैया द्वीज में जो जो बनता है तो वो सारा चीज़ भाभी बना रही हैं। यहाँ पे गणेश बनते हैं, गौर बनते हैं और भाई बहन गोबर के बनते हैं। चंद्रमा होती है, चांद होते हैं, सूरज होते हैं, तो नदी होती है, गंगा मैया बनती है। तो ये सारा चीज़ गोबर से आकृति बनाई जाती है और लावा से उनके आँख नाक कान भाई बहन के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग भाई दूज की पूजा करते हैं बनारस में। आप लोग क्या कैसे होता है ज़रूर बताइएगा। तो इसमें यहाँ पर हम भी बनाने लगे थे, भाभी का हेल्प करने लगे थे। तो ये देखिए बनके बिल्कुल हम लोगों का तैयार है और इसको और भी आप सजा सकते हैं। इतना टाइम भी नहीं था और बहुत ज़्यादा मेहनत भी पड़ता है सारा काम वाम करने में। तो ये इतना हम लोगों का बन के रेडी हो गया था और बहुत अच्छा था। तो मम्मी मेरी सबसे पहले इस पर गंगा जल डाली, मम्मी भी मेरी अपने भाई और भतीजों के लिए हर साल हम लोगों के साथ पूजा पाठ करती हैं। तो यहाँ पर हम धूप दिखाने लगे, दीपक जलाने लगे, माला चढ़ा देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं और सारी तैयारी हो जाती है। तो जो भी घंटी घड़ियाल और भड़ैयर ग्वालिन जो भी हम लोग रखते हैं वो सारा चीज़ आके यहाँ पर जो गोवर्धन पूजा होती है जो बने रहते हैं गोबर के, तो उनके पास रख के यहीं पर बैठ के कथा और पूजा होता है। ये ऐपन हम पीसे हैं चावल का, चावल का ऐपन पीसते हैं, ये ज़रूर से डालना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें हल्दी मिला दिए थे ऐपन में और पूजा शुरू हो गई है। तो यहाँ पर हम ऐपन डाल रहे हैं, मम्मी है, मेरी बेटी है, भाभी है, सब लोग बैठ के यहाँ पर भाई दूज की पूजा कर रहे हैं। तो जब तक भाई को चना नहीं खिला लेते, मिठाई नहीं खिला लेते, तब तक हम भी कुछ नहीं खाते हैं, व्रत ही रहते हैं। भाई जब पानी पी लेता है, चना घोट लेता है, तभी हम भी खाते हैं। तो यहाँ पर ये काजल है जो हम लोग दीपावली की रात को वही भड़ैयर के पास इसको सरसों के तेल में, देसी घी में, जैसे भी आपको रखना हो रख दीजिए। और बहुत अच्छा तेल से भी और सरसों देसी घी से भी ये बन के तैयार हो जाता है घंटी। तो ये काजल आप लगाइए, आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये घंटी भी यहाँ पूजा में रखी जाती है। तो यहाँ पर दीपक दिखा दिए हैं, धूप दिखा दिए हैं, अक्षत चढ़ा दिए हैं और यहाँ पर पूजा हम लोगों की शुरू हो रही है। और अब यहाँ पर हम लोग आयु बनाने लगे हैं, जो रुई होता है, रुई की माला होती है। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राण को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देख यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोस कर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मानने का आदेश दिया। यमुना ने कहा कि भद्र
आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो बहनें अपने भाई का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। तो यहाँ कहानी का बहुत महत्व होता है इस पूजा में भी। हर पूजा में कहानी का बहुत महत्व होता है। तिलक कराने जाऊंगा, माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, बहुत खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन ने उसकी खुशी देख कर जल भून गई और कह दिया कि दूध से रसोई ले, घी में चावल पका। बहन ने कहानी बहुत ही ज़रूरी होता है, तो दो चार कहानी जो हम लोगों को याद था वो हम लोग बोल दिए थे। भाभी बोल दी थी, मम्मी बोल दी थी, एक दो जो रह गया था तो वो बिटिया अपने मोबाइल से देख के पढ़ रही थी। तो यहाँ हम लोगों का कथा भी हो गया। कथा तो सबसे ज़रूरी होता है, तो कथा हम लोग कर लिए थे और यहाँ पर आयु जोड़ने लगे थे। जितने भाई हैं उतनी माला बनती है, रुई की माला में ऐपन लगा लगा के उतनी फेरी बनती है। पांच फेरी का एक माला तैयार होता है, तो उसको हम लोग बैठ के, मेरी भतीजी, भाभी, मम्मी, बिटिया सब लोग बैठ के यहाँ माला कॉटन का रुई का बना रहे हैं। पाँच फेरी का एक माला बनता है, तो जितने भाई हैं भतीजे हैं उतना माला तैयार होता है। तो यहाँ हम लोग कथा भी सुनते जा रहे हैं और माला भी बनाते जा रहे हैं। तो ये पूजा बहुत अच्छी होती है, भाई और भतीजों के आयु के लिए होती है। तो ये पूजा मंगल होता है इसमें भाई भतीजों का। तो ये पूजा जहाँ भी होती है तो अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए ये पूजा। और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये भाई और बहनों का बहुत सच्चा प्यार और सच्चे लगाव का त्यौहार है। जो बहनें बहुत हर्षोल्लास से अपने भाई और भतीजों की लंबी आयु के लिए करती हैं, सारा तीज त्यौहार लड़कियाँ औरतें बहुत अच्छे से करती हैं। तो यहाँ हम लोग कथा भी सुन लिए और कथा भी हो गई, पूजा पाठ भी बहुत अच्छे से चल रहा है। बीच बीच में हंसी मजाक भी हो जाती है, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है ये पूजा पाठ करने में। तो इस तरह से हम लोग कर लिए भाई दूज की पूजा। तो अभी भी पूजा पूरी संपन्न नहीं हुई है, यहाँ बहुत लोगों की फेरी बन रही है माले की, जो रुई के माले की बनाते हैं। और अभी बस कहानी ख़त्म हुई है, और भी इसमें बहुत सी चीज़ है जो अभी बाकी है। तो यहाँ पर अधिकतर चीज़ पूजा में हो चुका है। अब यहाँ पर लास्ट में हम लोग ये सारा जो माला बनाए हैं इसको इसी जो गोबर का ये भाई और बहन बनाए हैं इसी के ऊपर रखते हैं। पहले इसके ऊपर ईंटा रखेंगे, ईंटा थोड़ा पतला होना चाहिए क्योंकि उसको तोड़ना रहता है। उस पे चना सुपारी जो भी हम लोग लेके आते हैं तो उसको रख के उसी ईंटे को तोड़ा जाता है। मूसर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी मूसर से वो ईंटा तोड़ना रहता है। तो अब ये भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर पूजा जब पूरी हो गई है, सारी चीज़ें माला वगैरह सब बन गया है, तो यहाँ अब हम लोग ईटा रखेंगे। और ये है काटा, इस काटे का होना भी बहुत ज़रूरी, जिसको हम बहनें जीभ में चुभाते हैं अपने भाई लोग के लिए, क्योंकि इसमें एक तरह का है कि पहले भाई लोग को श्रापा जाता है, तो जब बहनें श्राप देती हैं भाई को तो क्षमा मांगने के लिए इस काटे से अपने जीभ में चुभाती हैं कि जिस जीभ से हम लोग अपने भाई को गाली दिए, श्रापे हैं, उसको हम लोग वापस लेते हैं और हम लोगों को क्षमा करिएगा। तो ये काटे का भी इस भैया दूज में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस काटे को भी हम लोग इसमें लेके आते हैं और पूजा में शामिल करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की भाई दूज की पूजा होती है। आप देख सकते हैं पूजा मेरा बहुत अच्छे से हो चुका है। ऐसा मांगे जिससे बेटे बहू भी खुश हो जाए और हम भी खुश हो जाए।
लास्ट में गणेश भगवान का पूजा होता है, तो पूजा हो रहा उनका भी कथा हो रहा था। और यहाँ पर एकदम लास्ट में जो ये हम लोग छोर पे छोड़े रहते हैं माले को, उसको जोड़ देते हैं जब कथा पूरी हो जाती है, पूजा पूरी हो जाती है, तो इसको आयु को हम लोग जोड़ देते हैं और फिर यहाँ पे चढ़ा देंगे। तो इस तरह से हम लोगों का पूजा संपन्न होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर ये ईंटा रख चुकी है मेरी भतीजी और ये मूसर आ गया है। तो पहले मूसर की भी पूजा करेंगे, इस पर जल डालेंगे। जल डालने के बाद इसमें फिर दूध चढ़ाते हैं। दूध, कच्चा दूध ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो दूध भी होना चाहिए। तो ये दूध सब लोग डालते हैं, मूसर की पूजा करते हैं, लगा रही हैं हम लोग मिलके मूसर में लगा रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें सिंदूर लगाएंगे, सिंदूर से टिकेंगे, सिंदूर चारों तरफ लग जाएगा, माला चढ़ा देंगे। तो उसके बाद कोई एक जो बहुत ज्यादा बलवान हो या शक्तिशाली हो तोड़ सके, तो यहाँ पर अभी भाई गाना हो रहा है जो भाभी गा रही है। छोटू भैया चले ले आए रिया, शिवानी दीदी देनी आशीष होना, जिया सजियो मोरे भैया, जिया तू मुला को परिस होना, आयुष भैया चले ले आए रिया। निधि गाओ, इतना अच्छा गाना है। मोरे रिया भैया चले लैया, पूजा बुआ रचना बुआ सब बुआ बहिना देनी भैया, सुटुल भैया चले भैया, आगे गाइए हो जिया मेरे सुटुल दीपू भैया चले सब भैया। तो लास्ट में इस तरह का गाना ज़रूर होता है, जितने भाई भतीजे हैं, बहनें हैं, बुआ हैं, उनके लिए ये सारा गाना वगैरह होता है। और इस तरह से हम लोगों की भाई दूज की पूजा संपन्न हो गई। लास्ट में हमारी बिटिया आ गई थी छोटी वाली, तो उसके साथ हम लोग मिलके एक साथ वीडियो फ़ोटो खिंचवाने लगे थे, वीडियो बनाने लगे थे। तो इस तरह से हम लोगों के यहाँ भाई दूज की पूजा होती है, जो बड़े हर्षोल्लास से बहनें और बुआ करती हैं अपने भाई भतीजों के लिए। तो इस तरह से फिर उसके बाद लास्ट में सब लोग जो सिंदूर का टीका है वो सब लोग लगाएंगे, और ये जो अक्षत रहता है और जो यहाँ ऐपन रहता है, तो आज के दिन इसी ऐपन का ही टीका भाई लोगों को भतीजों को लगता है। तो इस तरह से हम लोगों का भाई दूज का पूजा भी संपन्न हुआ। यहाँ पर सड़क पे थोड़ा सा मम्मी गमला दिखाने लगी थी, पौधे लगाए हैं बहुत सुंदर सुंदर, वो देखने लगे। उसके बाद नीचे उतरे क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। यहाँ छोटी बहन का बेटा है, उसको मेरी बिटिया टीका लगा रही है। तो यहाँ पर बारी बारी से सब लोग अपने भाई भतीजों को टीका लगाने के लिए आ गए हैं। और मेरा ये भाई दूज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, भाई दूज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यहाँ हम अपने बड़े भतीजे को चना दे रहे हैं घोटने के लिए, तो वो खा रहा है, उसको टीका लगाए और फिर अब चलेंगे, खाना पीना खाएंगे। भैया अभी नहीं है, जब भैया आएंगे तो उनको भी टीका लगाना है। तो छोटे भतीजे बड़े भतीजे को लगा दिए, छोटी बहन का बेटा था उसको मेरी बिटिया लोग लगा दी, मेरे बेटे अभी नहीं आए थे तो उसको उनकी बहनें लगाएंगी। तो इस तरह से हम लोग भाई दूज की पूजा करते हैं, मनोरंजन करते हैं, बीच बीच में उसमें हंसी मजाक करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा जी दोस्तों, ब्लॉग को अभी एंड करते हैं।
फिर मिलते हैं दोस्तों नए ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।